सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे के पास की शराब की दुकानों को बस्तियों की तरफ लगातार ट्रांसफर करने की खबरें आ रही थीं और इस संबंध में यूपी के आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिया है कि नई दुकानों को बस्तियों, अस्पतालों, पूजा स्थलों, स्कूल कॉलेजों से कम 500 मीटर दूर रखा जाए। आबकारी आयुक्त ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को 1 अप्रैल तक बंद करा दिया गया है और साथ ही वैध दुकानों को ट्रांसफर करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। तो हमने प्रमुखता से यह खबर दिखाई और अब इसका असर इस खबर के जरिए आप समझ सकते हैं। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ हैं। विवेक, लगातार जो विरोध हो रहा था उसे प्रमुखता से हमने दिखाया और उसका असर कहिए कि अब इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, अब क्या उम्मीद बनती है, कितनी जल्द कार्रवाई होगी इस पर? देखिए, कार्रवाई इस पर कर दी गई। मुख्य सचिव की तरफ से सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले जो दुकानें थी जिनका नवीनीकरण किया गया था जी, उन दुकानों को वहां से हटा दिया जाए हाईवे से और उस जगह पर रखा जाए जहां पर पूजा स्थल ना हो, शैक्षणिक संस्थान ना हो, अस्पतालों और बस्तियों से 500 मीटर दूर रखने के लिए कहा गया है। ये जो दुकानें हाईवे से शिफ्ट होकर के बस्तियों में जा रही थी, सारा बवाल उसकी वजह से शुरू हुआ था। तो अब ये कहा गया है कि जो भी शिफ्ट होगी दुकानें वो बस्तियों से 500 मीटर दूर होगी और अगर किसी को जो दुकान शिफ्ट की गई है हाईवे से अगर किसी को आपत्ति हो तो जिला प्रशासन के सामने अपनी बात रखेगा और जिला प्रशासन उस बात पर गौर करके अगर जरूरत पड़ी तो उसको फिर कहीं और शिफ्ट करा देगा। तो इस समस्या को का निदान ढूंढने के लिए ये मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं और सभी जिलाधिकारी को कहा गया है कि जो दुकानें शिफ्ट हो रही हैं उनको ऐसी जगहों पर ना लाया जाए जहां पर किसी तरह का विरोध हो रहा हो और जहां पर बस्तियां हो। तो अब देखते हैं कि इसका जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो विवाद है, जो विरोध हो रहा है, दुकानों में तोड़फोड़ और अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है उस पे लगाम लगेगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लगातार विरोध की तस्वीरें आ रही थी हर जगह से और इस एक मुहिम के तरह लोगों की आवाज़ हमने सरकार तक पहुंचाई और अब ये इस तरह का आदेश, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कितनी जल्द होता है ये देखना होगा कि लोगों को राहत कितनी जल्द मिल पाती है, क्योंकि इस बात का विरोध किया जा रहा था कि शराब की दुकानें पूजा स्थलों के पास है, स्कूलों के पास शिफ्ट की जा रही हैं इस तरह की दुकानें, इसे यहाँ से हटाया जाए तो अब इसे बस्तियों से 500 मीटर दूर ही रखा जाएगा।